हेलो दोस्तों, फोर्स आईएएस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम 19 नवंबर की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं। हमारा पहला न्यूज़ है बत्रा कोस्तोमस मोनिलाइजर, जिसे श्रीलंकन फ्रैग माउथ भी कहते हैं, क्योंकि यह श्रीलंका में पाया जाता है और इसका मुंह मेंढक के मुंह के भांति दिखता है। इट इज़ अ रिलेटिव ऑफ नाइटजार, अ क्रेपस्कुलर एंड नॉक्टर्नल बर्ड ब्रीडिंग इन यूरोप एंड टेम्परेट एशिया। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। ऑल्सो यह आखिरी बार 1976 में देखा गया था, जिसके कारण विशेषज्ञों का मानना था कि यह पक्षी जो कि 1976 के बाद दिखाई नहीं देने के कारण विलुप्त हो गया है, लेकिन हाल ही में इसे केरला के चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखा गया है। तो पहले हम चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लोकेशन देख लेते हैं, क्योंकि आजकल यूपीएससी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क के लोकेशन के बारे में पूछती है। जैसे इसी साल पूछा गया था 2018 के प्रीलिम्स में पाखोई वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो पहले हम इसका लोकेशन देख लेते हैं। इसका लोकेशन केरला राज्य में है, ध्यान दीजिएगा और आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये करंट न्यूज़ में है इसलिए ये पूछ सकती है यूपीएससी। और दूसरी बात, इसमें यह भी पूछ सकती है यूपीएससी कि इस वन्यजीव अभयारण्य से कौन सी नदियाँ बहती हैं। जैसे कि 2013 में पूछा गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में, जिसमें ऑप्शन थे यमुना, गंगा, रामगंगा, शारदा, तो इसका आंसर था रामगंगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है और इसको स्टेटमेंट के तौर पे भी पूछ सकती है। तो यह करंट न्यूज़ के हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। और एक बात, यूपीएससी इस पक्षी से संदर्भ में स्टेटमेंट के तौर पर भी क्वेश्चन पूछ सकती है। जैसे यह पक्षी केवल केरला में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है यह पक्षी भारत में एंडेमिक है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, क्योंकि यह पक्षी जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र में भी मिलता है और साथ ही ये श्रीलंका में एंडेमिक है। तो आप एक बार इस पक्षी का फोटो भी देख लीजिए कि कैसा दिखने में। हमारा अगला न्यूज़ है एक्सीड सैट वन, जो कि भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित सैटेलाइट है एंड इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्च बाय स्पेसएक्स, जो कि अमेरिका का प्राइवेट स्पेस एजेंसी है या स्पेस कंपनी है। एंड एक्सीड सैट इज़ अबाउट टू मेक हिस्ट्री, क्योंकि यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का सैटेलाइट है एंड इट विल बी लॉन्च ऑन बोर्ड स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट। फाल्कन 9 रॉकेट और ऐसे बहुत से रॉकेट हैं जो कि भारत के भारी सैटेलाइट को स्पेस में ले जा चुके हैं एंड इट विल बी प्लेस्ड इन सन सिंक्रोनस लो अर्थ ऑर्बिट में, अर्थात लियो ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा। और इसका लाइफ स्पान 2 साल का है, डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग द बैटरी लास्ट एंड व्हेन द सैटेलाइट डी ऑर्बिट नेचुरली। तो यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यह भारत की पहली निजी कंपनी द्वारा विकसित सैटेलाइट है और वर्तमान दिवस तक इसरो ही सैटेलाइट का विकास करती थी, उसका प्रक्षेपण करती। हमारा अगला न्यूज़ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर 2 दिवसीय प्रथम राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन, जिसका आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यह इस योजना का पहला राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन है और यह कहाँ पे हो रहा है, बेंगलुरु में। तो यह पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, यूपीएससी में स्टेटमेंट के तौर पे पूछ सकते हैं कि जैसे पहली राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर मुंबई में आयोजित हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो चलिए हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस योजना की घोषणा 13 जनवरी 2016 में की गई थी और इसका कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है। इसका लक्ष्य सभी किसानों को सभी प्रकार की फसलों पर बीमा प्रदान करना है, अर्थात यह रबी, खरीफ, वाणिज्यिक फसलों पर
बीमा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों को होने वाली क्षति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना है और किसानों की कृषि निरंतरता में सुनिश्चितता लानी है, तथा इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में साख अर्थात ऋण का प्रवाह भी सुनिश्चित व सुगम बनाना है। इसमें खाद्यान्न फसलें, तिलहन, बागवानी फसलें सभी का कवरेज किया गया है। साथ ही किसानों को इस योजना के अंतर्गत जो प्रीमियम राशि अदा करनी है उसके अंतर्गत खरीफ फसल पर 2%, रबी फसल पर 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5% अदा करना होगा। और फसलों की बीमा हेतु भारतीय कृषि बीमा कंपनी के अतिरिक्त अन्य निजी कंपनी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जो कि जिन किसानों ने ऋण लिया है उनके लिए तो ये अनिवार्य है, ध्यान दीजिए, कि जिन किसानों ने ऋण लिया उनके लिए अनिवार्य है और जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए स्वैच्छिक है। तो यूपीएससी आपको ऐसे स्टेटमेंट देके उलझा सकती है। इस योजना के बारे में और एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि यूपीएससी इसमें पूछ सकती है कि यह जो बीमा योजना है वह केवल फसल कटाई के पूर्व तक ही लागू होगी, नहीं, यह फसल कटने के पश्चात 14 दिन तक खेत में रहने की स्थिति में भी अगर कोई आपदा संकट की स्थिति आ गई और फसल बर्बाद हो गए तो उस पर भी यह योजना लागू होगी। तो आज का हमारा न्यूज़ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।